महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में बुधवार को दो दिनों तक चलने वाले वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के श्री रामाश्रय यादव ने ध्वजारोहण मशाल जलाकर तथा गुब्बारा उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद बालिका द्वारा 400 मीटर का दौड़ भी कराया गया, जिसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामाश्रय यादव ने बताया कि हारना कोई बुरी बात नहीं है, हारने के बाद ही जीतने का प्रयास होता है, कोशिश करने वालों की जीत तय है। आज खेल के क्षेत्र में आगे निकलने की बड़ी संभावनाएं हैं, सरकारें इस क्षेत्र में ध्यान दे रही हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी महत्व मिलना चाहिए, अभिभावक अपने बच्चों को खेल में आगे आने के लिए प्रेरित करें। आज खेलों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ाई। खेल हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, खेल हमें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, खेल हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए शिक्षा के साथ खेल भी जरूरी है। इस अवसर पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा शर्मा, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर उमेश कुमार गुप्ता, प्रोफेसर निखिल कुमार, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर संगीता त्रिपाठी, आयुष यादव, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव सहित शिक्षक कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के श्री रामाश्रय यादव ने कहा, हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह सर अतिथि का अभिवादन करें। तालियां, जोरदार तालियां बजाएं। ध्वजारोहण हो चुका है मंच पर। पहली फ्लैग बियरर रहनुमा खान सलामी देते हुए, विनम्रता कुशवाहा बीएससी थर्ड सेमेस्टर, उसके पीछे आ रही टुकड़ी के साथ स्टूडेंट श्रद्धा श्रीवास्तव, श्रद्धा श्रीवास्तव के बाद नेक्स्ट फ्लैग बियरर विजय लक्ष्मी बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर उमर, और इनके पीछे हमारे बच्चे बैंड की शानदार धुन के साथ। कृपया कर्तव्य ध्वनि से इसका भी अभिवादन करें। वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता में वास्तविक क्रीडा शालीनता एवं सहचर्य की विशुद्ध भावना से सभी अधिकृत नियमों का प्रयास से अपने वृंद की आन एवं क्रीडा के शान के लिए इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक हैं। धन्यवाद। अमृता चैंपियन को सौंपते हुए जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें। मूविंग फॉरवर्ड, ये मशाल यूं ही जलती रहे। हमें मालूम है कि आज खेल के वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के अवसर पर हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे, इसी जमीन और मट्टी से निकल करके देश और दुनिया में इस माटी के सुगंध को फैलाया। करीब 36 देशों में जाने का मौका मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीता गया, देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जी से कई बार सम्मान मिला,
लेकिन आज अपनों के बीच में आकर के आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इस विद्यालय परिवार ने जो मान सम्मान दिया, ये भी हम कभी भूलेंगे नहीं। अपने अपनी स्मृतियों में याद रखेंगे। हारना कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी खेल में हारने के बाद ही जीतने का प्रयास किया जाता है। हम लोग भी हारे हैं, फिर जीतने का प्रयास किया गया है। ट्राई ट्राई अगेन इट लास्ट यू सक्सेस। आदमी कोशिश करे तो सफलता उसे जरूर मिलती है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो। आप स्वस्थ रहें, इसके लिए स्पोर्ट्स जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आज स्पोर्ट्स में तरह तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तरह तरह के इनाम मिल रहे हैं, जो आपको शिक्षा के क्षेत्र से न सही लेकिन खेल के क्षेत्र में अगर आप आगे निकल जाते हैं तो आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक जीतते हैं, और एशिया और ओलंपिक्स पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतते हैं। तो सरकारें आज की डायरेक्ट आपको क्लास टू नौकरी दे रही है और अच्छी सुविधाएं से आपको लैस कर रही है, अच्छे अच्छे इनाम, करोड़ों करोड़ों रुपया आपको इनाम मिलते हैं देश से लेकर के अन्य प्रदेशों तक। धन्यवाद सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, दौड़ो, चलो 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 चलो। विनर्स के लिए हमारे ये 400 मीटर तालियां बजती रहे। विजयी प्रतिभागी भैया आ जाइए और सांत्वना पुरस्कार पाए। और आज के इस प्रथम इवेंट के साथ हमारे दो दिवसीय वार्ड बहुत ही अच्छा लगा। आज महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के इस प्रांगण में 2022-23 का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर जो छात्र छात्राएं प्रतिभागी के रूप में आए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है कि कॉलेजों से निकल करके यही बच्चे आगे जाएंगे, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इनका मदद पदक जीत करके जो हौसला बुलंद हो रहा है, आज यहाँ पदक जीते हैं, इनका हौसला बुलंद होगा तो यही जा करके प्रदेश में और देश में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की इच्छा रखते हैं। हम लोग भी इसी क्षेत्र से निकल करके यहाँ तक पहुँचे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत करके देश का सम्मान गौरवान्वित किए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बाकी गाँव में? बच्चों को यही चाहेंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे बच्चियों में कोई अंतर नहीं रह चुका है, देश में, प्रदेश में और पूरे दुनिया में खेलों का महत्व दिया जा रहा है। उनके लिए अच्छे से अच्छे सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छे से अच्छे उनके इनाम दिए जा रहे हैं, अच्छी से अच्छी नौकरियां दी जा रही हैं। जो पदक जीत करके देश का लाते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो हम चाहेंगे बच्चों से कि देश का भविष्य आप हो, आगे आगे आओ, शिक्षा के साथ साथ खेल में अपना महत्व योगदान दो, ताकि देश का नाम प्रतिनिधित्व करोगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत करके, देश को गौरवान्वित करोगे।